अरे सुनते हो हाँ, क्या हुआ? अरे यार, तुम अपनी मम्मी से कुछ कहते क्यों नहीं हो? बताओ तो। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही हो मेरी मम्मा को? अच्छा, बुरा लग रहा है तुम्हें? हाँ क्यों, तुम्हारी मम्मा को अगर मैं कुछ बोलूँ तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? नहीं, अगर वो गलत होंगे तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मेरी मम्मा ने जो वो गलत हो गई, बताना जरा। वो हमेशा से गलत ही है अरे क्या दिया उसने, ये तो बता दो। यार। मैं कुछ भी करूँ उन्हें प्रॉब्लम होती है यार। हर चीज में मुझे टोकती रहती है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत पहनो। अभी मैं तैयार होके मैं बाहर जा रही थी मार्केट, तो बोलती है ऐसे कपड़े पहन के क्यों जा रही हो? अब क्या मुझे अपने घर में अपनी पसंद के कपड़े पहनने की फ्रीडम नहीं है? अच्छा, तो वैसे ये बताने का कष्ट करेंगी जनाब आप कि आप कौन से कपड़े पहन के जा रही थी, जरा मैं भी तो जान लूँ। मैंने तो नॉर्मल शॉर्ट्स और टॉप पहना था, उसमें उन्हें प्रॉब्लम होने लगी है यार। अच्छा, ये शॉर्ट्स ये आपको नॉर्मल लगता है? इसमें अब नॉर्मल क्या है? अरे बब्बा देखो, जो शॉर्ट्स वाले जो कपड़े होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है ना, आधी बॉडी सिर्फ कवर्ड होती है, आधी आधी जो बॉडी होती है ना, वो मतलब कि कोई भी इजिली देख सकता है। तो सिंपल सी बात है यार, अगर आप जाओगे घर से बाहर, 10 लोग आपको देखेंगे, तो यार कहीं ना कहीं तो यार हमारी इज्जत तो कहीं ना कहीं डाउन होगी ना, कि देख रहे हो ना कि मतलब क्या कहते हैं, आकाश की जो वाइफ है या फिर मेरी पापा जो है, उनके बारे में तो लोग कहेंगे ना कि इनकी बहू जो है देखो एकदम शॉर्ट टाइप के कपड़े पहनती है, इनमें संस्कार नहीं है। फिर बेइज्जती तो हमारे घर की होगी ना यार, ऑब्वियस सी बात है। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि कपड़ों से ही इज्जत होती? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कपड़ों से इज्जत होती है, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि समाज में जो लोग हैं, हमें उनको भी देख के चलना पड़ता है, हमें समाज को लेके चलना पड़ता है, तो हमें समाज के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा, ठीक है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। अब तुम लोग कौन से जमाने में जी रहे हो क्या मतलब है तुम्हारा कि कौन से जमाने में जी रहे हो? यार? अब ऐसा कोई नहीं सोचता, सब मॉडर्न हो गए हैं, सब पहनते हैं। तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लोग क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं, सब पहनते हैं यार, ये बहुत नॉर्मल चीज है। अरे बाबा सब पहनते हैं, लेकिन वो बड़े शहरों की बात है यार, ठीक है, ये दिल्ली मुंबई कोलकाता वाली सिटी में हम लोग नहीं रहते ना, हम लोग स्मॉल सिटी में रहते हैं, और यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी तुम्हें नहीं पता, इनकी मेंटेलिटी उतनी लेवल की नहीं है जो बाहर के लोगों की है। वहाँ पे दिल्ली मुंबई में सारी चीजें चलती है, लड़कियां शॉर्ट्स कपड़े में पहनती के घूमती हैं, पर यार हमारे शहर में तुमने बताओ, तुम जब बाहर निकल के जाते हो कितने तुम्हें ऐसे लोग दिखते हैं यार जो उन्होंने शॉर्ट्स कपड़े पहन रखे होते हैं, वो भी तो सोचो ना। क्या तो मैं दूसरे को क्यों देखूं? मुझे क्या मतलब है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? क्या मैं शादी से पहले भी ये सारे कपड़े पहनती थी और मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं रोका, ये मत पहनो, वो मत पहनो? किसी ने आज तो मुझे कपड़ों को लेके कुछ नहीं बोला है, और अचानक से भी तुम लोग मुझे हर चीज करने से मना कर रहे हो, ये मत पहनो, ऐसे मत पहनो, यहाँ मत जाओ। यार मैं इतनी रिस्ट्रिक्शंस कैसे रह सकती हूँ यार? यार श्वेता, आपको कोई मना नहीं कर रहा कि आप यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, जाने के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको जहाँ जाना है जाओ, ठीक है, लेकिन यार जो छोटे कपड़े होते हैं ना, एटलीस्ट अगर आप देखो जब हम लोग जब प्राइवेट मोमेंट में होते हैं, जब आप मेरे बेडरूम में जब हम लोग होते हैं तो आप पहनो, फिर कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन यार मम्मी पापा के सामने थोड़ा तो समझो ना यार, उनकी एज भी हो गई है ना, वैसे भी यार सोचो वो ओल्ड स्कूल टाइप के लोग हैं, वो इन तरह की चीज़ों की उनकी हैबिट नहीं है ना यार, तो थोड़ा तो आपको तो हाँ एडजस्ट तो करना हो पड़ेगा। जाएंगी ना। अरे अब हर चीज सबके लिए नया ही होता है, बट वो तो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इस चीज को। मैं क्या करूँ यार, वो हमेशा मुझे ताना देते रहते हैं। अगर देखो ऐसा चलता रहा ना तो फिर मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो मतलब तुमने पहले से अपना मतलब माइंड सेट कर रखा है कि हाँ मैं पहनूंगी ही पहनूंगी चाहे दुनिया बाहर में जाए, ऐसा पहले से सोच रखा तो बता दो। ऐसा नहीं बोल रही, पर मेरी भी तो कुछ है ना, मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ, और अचानक से तुम लोग मेरे को बोलोगे कि ऐसे मत रहो, ये मत पहनो, तुम्हारे पसंद के कपड़े मैं क्यों पहनूँ यार? तुम मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल सकते? मैं तुम्हारी फैमिली के अकॉर्डिंग ही चलूँ, हर चीज़ तुम्हारे घर वालों की मानूँ, और तुम लोग मेरी कोई बात ना मानो। नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो श्वेता, जब आप शादी से पहले की बात थी, ठीक है, तो आप अपने घर की लक्ष्मी थी, और शादी के बाद जब आप हमारे घर में आए हो तो आप जो है हमारी फैमिली का हिस्सा हो, साथ ही आप हमारी फैमिली की लक्ष्मी भी हो, तो यार ये हमारा कर्तव्य बनता है ना
कि हम आपकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, आपकी इज्जत की रक्षा हम करें। दैट मीन्स जैसे सपोज करो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि आपको पता ही यार कि छोटे कपड़े पहन के देखते हैं तो रास्ते में कमेंट पास आउट करते हैं, तो यार खुश सोचो ना, हमें तो नहीं अच्छा लगेगा ना यार कि मतलब कि हमारे घर की बहू बेटियों पे बाहर के कोई भी छिछोड़ा सा बंदा ऐसे से मतलब कि कपड़ों पे कमेंट करे या पहनावे पे कमेंट करे। इसलिए मैं बेबी आपको समझा रहा हूँ कि यार ऐसे कपड़े मत पहनो, ठीक है यार। तो मैं बस दूसरों के लिए मैं डर के रह हूँ, दूसरे क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, बस ये चीज सोच के मैं क्यों सेक्रीफाइस करूँ यार। अरे पापा, डरने की बात इसमें नहीं है, तुम्हें पता है तुम सूट सलवार में कितनी ज्यादा प्यारी लगती हो। हाँ अगर तो ठीक है, मैंने कब बोला कि मैं सूट नहीं पहनूंगी या साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं वो सारी भी चीजें पहनूंगी पर मैं ये भी पहनूंगी। मतलब तुमने माइंड अपना सेट कर लिया है। बोल सकते हो ऐसा? अरे पापा तुम क्यों नहीं समझ रहे हो यार, यार हर बार तुम मुझे क्यों समझाते हो, अपने घर वालों को भी समझाओ ना। अब उन्हें क्या समझाऊं, बात मान सकते हैं ना, मैं हमेशा उनकी बात मानती हूँ, वो जो बोलते हैं मैं इतने टाइम से मैं उनकी बात ही सुन रही हूँ, क्या वो मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? अच्छा देखो, ठीक है सुन, अगर आपको वेस्टर्न ड्रेस इतना ही पसंद है तो आप जीन्स पहन लो ना यार, जीन्स पहन लो, टॉप पहन लो जिसमें मतलब बॉडी जो है कम्प्लीटली कवर्ड हो। ऐसा नहीं कह रहा जैसे आप जैसे क्रॉप टॉप की बात करते हो यार, उसमें तो यार बेली दिखते हैं यार, ठीक है। मैं ऐसा कह रहा हूँ उस टाइप के ड्रेसेस मत पहनो, ठीक है। बाकी आप जो भी पहन लो वो चलेगा, जैसे आप जीन्स पहन लो, फुल शर्ट पहन लो, फ्रॉक पहन लो, और भी यार बहुत सारी कपड़े आते हैं, ठीक है, प्लाजो पहन लो, ये सारी चीज़ें चलेंगी। बट यार क्रॉप टॉप वाली चीज़ें मत पहनो, ठीक है, जिसमें टमी दिखती है, एटलीस्ट उतना तो कर ही सकते हो ना। मतलब हर बार एडजस्ट मैं ही करूं? अरे पापा क्यों नहीं समझ रहे तुम, एडजस्ट की बात नहीं है पापा, ये तुम्हारी अरे सेफ्टी के लिए मैं कह रहा हूँ ना। ये सेफ्टी कोई बात ही नहीं है यार, तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो यार लोगों से, लोग क्या बोलेंगे यार, अपनी खुशी भी तो होती है ना। अरे पापा तुम्हें नहीं पता, ठीक है, तुम अभी पता नहीं कौन से जमाने में जी रही हो, तुम्हें लगता है कि हाँ यार देखो इंडिया मॉडर्न हुआ है, बट इतना भी ज्यादा मॉडर्न नहीं हुआ है, और स्पेशली हमारा शहर तो बिल्कुल भी नहीं। और बाकी मैं तुम्हें प्यार से फिर भी समझाता हूँ कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कम से कम एटलीस्ट देखो, कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि वैसे भी हम लोग कुछ टाइम के बाद बैंगलोर तो शिफ्ट होने ही वाले हैं, जहाँ पे सिर्फ मैं और आप रहेंगे, तो उसके बाद आपको जो पहनने की इच्छा होगी आप वो पहन लेना ना यार। जब तक हम लोग यहाँ पे घर पे मम्मा पापा के साथ हैं तब तक तो कुछ दिनों के लिए मम्मा पापा के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, इतना तो कर ही सकती हो ना। मैं उतने दिनों से तो कर ही रही थी, आज मैंने कितने दिनों बाद मैंने कुछ पसंद का पहना था, उसमें भी तुम्हारी मम्मा ने मुझे इतना कुछ बोला, इतना सुनाया। जी तुम्हारी मम्मा, तुम्हारी मम्मा क्या होता है, क्या वो आपकी मम्मा नहीं है? अगर वो मेरी मम्मा होती तो मेरी खुशी जरूर देखती। अच्छा तो मतलब कि आपकी भलाई के लिए सोचना और कहना वो क्या होता है, वो आपके फेवर में नहीं है? आपको लगता है कि हाँ उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो आपकी मम्मा नहीं है, राइट? ऐसा थोड़ी होता है यार। यार लेकिन उन्हें मेरा भी तो सोचना चाहिए ना मेरी खुशी के बारे में, वो कभी कभी कुछ मेरे लिए अच्छा सोचती ही नहीं है यार, हमेशा अपनी मनमानी करना चाहती है। अरे बाबा इसमें मनमानी की बात नहीं है, देखो आप खुद भी ऐसा सोचो, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने कभी अपनी मम्मा को कभी क्रॉप टॉप में या फिर ऐसे ड्रेसेस में नहीं देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जस्ट बिकॉज यार कि वो लोग पुराने ख्यालात के लोग हैं, उन लोगों को 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग ढलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आपको मम्मा को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे करके वो भी आपके जज्बातों को समझने लगेंगे ना बाबा, थोड़ा तो एटलीस्ट उनकी भावना को भी समझो, थोड़ा सा टाइम दो उनको भी। यार वो नहीं समझेंगे अगर आज मैंने उनके डर से ये सब करना छोड़ दिया ना, तो वो सोचेंगे हाँ मैं तो जीत गई, अब वो मेरी बात सुनेंगे। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, जैसे आप अपने दिल की बात अपनी मम्मा को कहते हो, सेम वे में अगर आप मम्मा को भी समझाओगे ना तो वो भी समझ जाएगी यार। ऑब्वियसली शादी के बाद ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेरी मम्मा है, आपकी भी मम्मा है ना, तो आप भी अगर प्यार से उनको समझाओगे कि मम्मा मैं ऐसा चाहती हूँ, तो प्यार से मान जाएंगी, और आपको भी वो जो ना अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानती है, तो मैं इतना कन्फर्म हूँ कि मम्मा आपकी बात मान जाएंगी। बट यार थोड़ा सा जो है ना उनको प्यार से समझाया करो, वो भी गुस्सा करती है, आप भी गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा ना। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला है, ठीक है, तो आपने समझाया भी तो नहीं ना, आपने उनको समझाया भी तो नहीं। मुझे पता है वो मेरी कोई भी बात नहीं समझेंगे, वो उन्हें गलत ही लगेगा मेरी हर बात, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जाके उनसे बात करो, मेरी बात उन्हें सही नहीं लगी।
अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ उनको समझाने की, ठीक है। ठीक है। बट लेकिन ये लास्ट टाइम वाली बात है जब मैं इसमें इंटरफेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से जो भी चीज़ें होंगी आपको खुद से मम्मा से बात करनी होगी, क्योंकि अगर सारी चीज़ों के लिए अगर मैं बात करूँगा ना तो उनको लगेगा कि यार ये तो मतलब जोरू का गुलाम हो गया, हमेशा जो है बीबी की तरफदारी करता रहता है, ये भी बात उनको लगने लगेगी। फिर अगर तुम्हारे पक्ष में बोलूँ तो मम्मा कहेंगे बीबी का गुलाम है, अगर आपके मतलब क्या कहते हैं मम्मा के पक्ष में बोलूंगी तो आप बोलोगे कि हाँ माँ के पल्लू से बंधा हुआ है, तो फिर मैं जाऊं तो जाऊं क्या, हाँ करूँ तो करूँ क्या, तुम दोनों के बीच तो मैं फंस गया ना। तो एटलीस्ट मैं उनको भी मैं जाके समझाता हूँ कि तुम्हारी भावनाओं की भी कदर करे, और तुम्हें भी मैं सेम चीजें कहूंगा यार कि थोड़ा सा मम्मा की भी सुनू, उनकी भी बातों को समझने की कोशिश करो, और मिल करके मतलब कि बीच का कोई रास्ता फाइंड आउट करो, ठीक है। यार मैं तुम्हें पता है ना यार, वो जो भी बोलती है जैसा बोलती है मैं वो करती हूँ, पर उनको भी तो समझना चाहिए ना। अच्छा बब्बा ठीक है, मैं उनको समझाता हूँ, ठीक है ना। लगता अब है तो वो बोल दो समझ ना जाएंगे। क्या लगता है वो समझ जाएंगे, तुम्हें क्या लगता है, तुम अभी तक मम्मा को नहीं जान पाई कि मम्मा कितनी ज्यादा स्वीट है। पता है जब भी लास्ट टाइम जब तुम बीमार पड़ी थी ना तो मम्मा सारी रात हमारे बेडरूम में पता है तुम्हारे मतलब सिर पे जो है ना पट्टियां बदल रही थी ठंडे पानी की, इतना मम्मा तुमसे प्यार करती है। उसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि मम्मा तुम्हें रोकती टोकती है क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती। सोच के वो समझ जाए मेरी बात, मेरी फीलिंग्स को, और कोई गलत मतलब ना निकाले। नहीं बब्बा कोई गलत मतलब नहीं निकालेगा, ठीक है। मैं मम्मा से बात करता हूँ, और आज भर के लिए एटलीस्ट कम से कम तुम यार कोई दूसरे कपड़े पहन लो, बट नेक्स्ट टाइम मतलब मैं मम्मा से बात भी कर लेता हूँ और नेक्स्ट टाइम से मतलब वो चीज़ें सही भी हो जाएगी, ठीक है। तो आज भर के लिए प्लीज थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, ओके। ठीक है, इतनी उदास भरी बातों में क्यों कह रही हो, प्यार से बोल दो ना स्माइल करते हुए। अच्छा ठीक है, मैं बांध लूंगी। ठीक है चलो जल्दी से ड्रेस चेंज कर लो और फटाफट रेडी हो जाओ, ओके। ठीक हाँ तुम प्लीज उनसे बात कर लेना। है ओके, मैं कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ये चेंज कर लेती हूँ। ओके।